time. Oh, Anjali, इसको भी अभी फोन करना था. हाँ, हेलो अंजलि, बोल कैसे फोन किया. हाय पूजा, कैसी है, क्या कर रही है. अरे यार बस पूछ मत, बुरा हाल है. क्यों, क्या हुआ. अरे मेरी मेड, वो 4 दिन की छुट्टी पे है और घर पे झाड़ू पोछा लगा के ना मेरी कमर की बैंड बजी हुई है. चल तू अभी फोन रख, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ. अरे रुक, 2 मिनट तो बात कर. 2 मिनट, मेरे पास 2 सेकंड का टाइम भी नहीं है सांस लेने के लिए. बहुत सारा काम पड़ा है घर में यार. अब मैं तुझे ना 4 दिन के बाद ही फोन करूंगी जब मेरी मेड वापस आ जाएगी. अरे स्टूपिड पूजा, वेट, 2 मिनट तो रुको, मेरी बात सुन. चल ठीक है बोल. ओके, अब मुझे एक बात बता, तू क्या वो नॉर्मल स्टाइल वाला झाड़ू यूज कर रही है. नॉर्मल स्टाइल का झाड़ू. हाँ, लगता है तूने मेरा लेटेस्ट स्मार्ट स्वीप वाला वीडियो नहीं देखा है. स्मार्ट स्वीप नहीं, आई थिंक मैंने वो मिस कर दिया है तेरा वीडियो. तभी मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब तो कर लिया मेरा चैनल, वेरी गुड, बट उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर, सो दैट कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन तुझको मिल जाए और तू कोई भी वीडियो मिस ना करे. अब देखा ना कितना यूजफुल वीडियो तूने मिस कर दिया. अगर तूने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो बेल आइकन को भी प्रेस किया होता ना, तो आज तुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. चल ठीक है, अभी कोई बात नहीं, मैं तुझे उस वीडियो का लिंक भेज देती हूँ, तू आराम से बैठ के वो वीडियो दे और उसके बाद तू मुझे डेफिनेटली थैंक्स बोलने के लिए फोन करेगी. ओके ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगी और आज ही बेल आइकॉन को प्रेस करूंगी. लेकिन अब तू मुझे फटाफट वो वीडियो का लिंक भेज यार, मैं अभी देखूंगी और सिर्फ देखूंगी नहीं बल्कि ऑर्डर भी करूंगी. हाँ बाबा, भेजती हूँ. हाय गाइस, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा. तो यस, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है आपके लिए, आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि क्या है वो प्रोडक्ट. तो यस गाइस, मैं बात कर रही हूँ स्मार्ट स्वीप की. तो ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैं इसके फीचर्स बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट कि क्या है वो. ये है स्वीप ब्रैग ऑल इन वन स्वीप है ये एक. नो इलेक्ट्रिसिटी इसमें रिक्वायरमेंट है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी ये वैक्यूम क्लीन करता है. 360 एंगल में रोटेट होता है और आपके जो फ्लोर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करता है. इसके साथ ही साथ इसमें एक डस्ट पैन भी अटैच है. नॉर्मली हम लोग जब घर पे झाड़ू लगाते हैं तो हमें एक अलग से डस्ट पैन लेके उसमें सारा कूड़ा इकट्ठा करना पड़ता है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है. आप जैसे जैसे स्वीप करते जाएंगे साथ ही साथ आपका जो कूड़ा है वो इसमें जो अटैच डस्ट पैन है उसमें इकट्ठा होता रहेगा. ओके, इसके अलावा एनर्जी सेवर है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें यूज होती ही नहीं है और डस्ट पैन आपको अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है. 360 डिग्री में रोटेट होता है तो ये हर कोने कोने में जाएगा, सोफे के नीचे, बेड के नीचे या किसी भी एंगल में आप इसको रोटेट कर सकते हैं. आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है घर में झाड़ू लगाने के लिए. हैंड पुश है, मतलब आपको इजीली हैंड से थोड़ा सा इसे पुश करना है और ये आपको आपका घर क्लीन कर देगा, आपके फ्लोर की जो गंदगी है उसको हटा देगा और अपने पैन के अंदर इकट्ठा कर लेगा. ओके, इसके अलावा ये हार्ड फ्लैट फ्लोर मार्बल में, सेरेमिक टाइल्स में, इन सारे टाइल्स में भी अच्छी तरीके से यूज होता है. एंड कैसे करना है इसको, जस्ट पुश द डस्ट और वो फिर ऐसे आप पुश करके जब उसको आगे ले जाएंगे तो सारे डस्ट को ये अपने अंदर वैक्यूम करता रहेगा विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो चलिए ये तो हो गए इसके मेन फीचर्स जो यहाँ पर मेंशन है. आप जब इसे परचेज करेंगे यहाँ से देख सकते हैं. और ये इसका कुछ ऐसा डिजाइन होगा. अब ये तो है इसका बॉक्स में, अब मैं आपको ये एक्चुअल में कैसा है वो दिखा देती हूँ. तो मैंने इसके अंदर से ऑलरेडी ये निकाल चुकी हूँ क्योंकि मैं इसको अप्रोक्सीमेट 2 महीने से यूज कर रही हूँ गाइस. तो मैंने सोचा कि इसको अच्छी तरीके से यूज कर लूँ, कितना यूजफुल है वो देख लूँ और उसके बाद आपको इसका डेमो दूँ. तो अभी आपको डेमो देने के लिए मैंने इसके सारे पार्ट्स वापस से निकाल लिए हैं. ये जब पैकिंग में आया था ये इस तरह से था, ये था इस तरह से इसका जो मेन पार्ट है वो, और ऐसे 3 रॉड्स हैं. तो कैसे अटैच करना है वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ. तो देखिए गाइस, जो ये इसका ये वाला पोर्शन होगा उसमें आपको ये रॉड को इस तरीके से फिक्स करना है.
बहुत ही इजी इसे फिक्स करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इसको थोड़ा सा पुश करिए और इसके अंदर ये चला जाएगा। और फिर ये आप देखेंगे यहां पर ऐसे रिंग बने हुए हैं, इसमें आपको इस वाले पोर्शन को ऐसे गोल गोल घुमा के टाइट करना है। और फिर इसके बाद इसको भी ऐसे कर दीजिए। बस देखा गाइस बहुत ही सिंपल है, और यहां पर ये होल दिया है सो दैट कि आप इसको वॉल पे अगर हैंग करके रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो बस ये बन गया है। अब मैं आपको फ्लोर क्लीन करके बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि कैसे ये आपका फ्लोर क्लीन हो करता है। तो ये देखिए गाइस, मैंने फ्लोर पे कुछ पेपर के टुकड़े और कुछ और भी थोड़ा बहुत कूड़ा डाला हुआ है, तो अभी ये कैसे वैक्यूम करके सारा का सारा इसमें जो डस्ट पैन है उसके अंदर इकट्ठा कर लेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, मैं आपको इसका डस्ट पैन दिखाना भूल गई थी जो कि यहां पर है। तो जो भी कूड़ा है वो इकट्ठा होके उसके पैन में यहाँ पे स्टोर होता रहता है, और बाद में इजीली आप जाके इसको डस्टबिन में अपने खाली कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, जस्ट आपको इसका रॉड पकड़ के इसे बहुत ही हल्के से हल्का सा पुश देना है। पुश करते हुए आप इसे आगे जब बढ़ाएंगे तो इसमें लगे हुए जो दो व्हील्स हैं, ये जो व्हील्स है ये रोटेट होने लगेंगे। देखिए इस तरह से जब आप इसको हल्का सा पुश करके करेंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये ऐसे रोल होंगे और ये सारा का सारा कूड़ा अपने अंदर स्टोर करेंगे। तो देखा गाइस कितनी इजीली इसने सारा का सारा कूड़ा यहाँ पे स्टोर कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सारे पेपर के टुकड़े और भी जो कूड़ा था वो सब इसके अंदर आ गया है। तो ये इसी तरह से आपके फ्लोर को क्लीन करता है। झाड़ू लगाना अब आपके लिए, और यस ये स्टाइलिश स्वीप आपकी काम को और भी आसान कर देगा। अगर आप झाड़ू लगाने में अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहते या फिर आपकी मेहनत चली गई है छुट्टी पे, तो यस डेफिनेटली आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड यस घर पे झाड़ू लगाते जाते आप अपना फेवरेट काम भी कर सकते हैं, इसको झाड़ू लगाते लगाते आप डांस भी कर सकते हैं या फिर फोन पे गॉसिप। और क्या चाहिए गाइस, ऐसे यूजफुल वीडियोस में लेके आती रहती हूँ आपके लिए, और वीडियोस अपलोड करती हूँ एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। उसके अलावा जब भी कभी मेरा मन करे तो व्लॉग्स अपलोड करती हूँ आपके लिए। तो यस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, इस वीडियो को दे दीजिए अपना थम्स अप, और इसे आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है ये वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए ये वीडियो। और चलिए अब चल के देख लेते हैं कि पूजा क्या कर रही है, उसने ये वाला स्टाइलिश एक इजी स्वीप परचेज किया है या फिर वो अभी भी वो पुराने स्टाइल के झाड़ू से ही झाड़ू लगा के परेशान हो रही है बेचारी पूजा। तो चलिए हम चल के देखते हैं पूजा को, और मैं एक्चुअली ऐसे यूजफुल वीडियोस लेके आती रहूंगी आपके लिए। तब तक के लिए बी हेल्दी बी हैप्पी एंड लव योर सेल्फ। बाय बाय। यार कितना इजी है इससे घर में झाड़ू लगाना। ओह थैंक यू सो मच अंजलि, इतने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताने के लिए। यार उसे फोन करके थैंक यू तो बोल दूं। हाय अंजलि, थैंक यू सो मच। यार क्या प्रोडक्ट बताया तूने, मतलब अब घर में झाड़ू लगाना इतना आसान हो गया है ना, और मैंने तेरा वो स्प्रे मॉप वाला वीडियो भी देखा है। अब घर का झाड़ू और पोछा दोनों मैं ही लगाती हूँ, और तुझे पता है कि मैंने अपनी मेड की भी छुट्टी कर दी है क्योंकि अब मुझे इस काम में इतना मजा आ रहा है ना। और पता है तुझे, अब झाड़ू और पोछा करते करते ना मैं अपना फेवरेट काम भी कर सकती हूँ, पता है क्या, फोन पे गॉसिप। और क्या, अब तू जितने टाइम हो उतने टाइम में तुझसे बातें कर सकती हूँ। अरे तुझे पता है उसने क्या किया? अच्छा नहीं नहीं सीरियसली यार, अरे मैंने तो उसके पास सामने मेरे दर्द ही हो गया, मैंने सोचा कि क्या फर्क, मेरी बात नहीं सुनी।